إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير ज्यादा करेगा
और उसकी बरकतों के मुताबिक जितनी मोहब्बत और जितना बड़ा इंतराम छुपा हुआ है। वो तो जुमा गुजर गया, हदीसें जो आपको मैंने सुनाई उसका रस तो अभी भी बाकी है। अगर आपसे गलती हो गई, जुमा आपने नहीं किया, तो आइंदा इसका ख्याल कीजिए। ऐसे भी पूरा दिन की बात है, रात की बात है, क्योंकि मसाला ये है कि जो बातें कही जाए तो सुनाई जाए तो सुनी जाए, उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं करते हैं तो बेकार है, आप घाटे में नुकसान हो। इसलिए जरूरत इस बात की होती है कि जो भी बातें कही जा रही है उसको पहले अच्छी तरह से सुने। जाहिर सी बात है, जब आदमी पूरे हुजूर कल्ब के साथ और अपनी समाधों के साथ बैठा हुआ रहेगा तो ही वो सही सुन सकता है, और जब सही सुने तो उसके बाद उसको उसी अंदाज में समझने की कोशिश करे। जब समझ जाए तो हम पूरे जोर शोर और पूरी कुव्वत के साथ उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें, और जब अमल आप कर लेंगे वो काम कर लेंगे तो फिर जो इनामात उसमें रखे गए अल्लाह तबारक व तआला ने उस इनामात के हकीकी मुस्तहिक आप हो जाएंगे। तो ये तो जुमा के दिन और रात में एक तोहफा था सूरतुल कहफ की तिलावत का, जो मैंने गुज़श्ता जुमा आप पर पहुंचा दिया। अब आज के खुतबे में एक बहुत बड़ा अहम जुमे का तोहफा आपको देना चाहता हूं, और अगर आप उसकी हिफाजत कर लेते हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत सारी कामयाबियों और कामराबियों से इस दुनिया में भी गुजरेंगे, मुकाबला करेंगे, आपके दामन में आएंगी और उसे मेहशर अल्लाह तबारक व तआला की सुनने से आपकी हिफाजत। जुमा का दिन दिनों का सरदार, जुमे के दिन बहुत सारे आमाल खुसूसी तौर पर करने के हैं, मगर एक और अहम अमल है जिसकी निशानदेही मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि बात कहा जब मैंने वो अमल करने की कोशिश की और मेरे कुछ भाइयों तक भी बात पहुंची कि ऐसा भी होता है तो पहले तो दंग रह गई, यानी लोगों को मालूम नहीं, लोगों तक बात पहुंचती है मतलब सुनने के बाद उसको समझने की और उसको याद रखने की और उस पर अमल करने की कोशिश की। तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कलामे इलाही का एहतराम एक आदमी जितना याद रख करके कर सकता है उतना सुन करके इस काम से उसे निकाल देकर भुला देकर नहीं कर सकता। जब वक्त आता है, जरूरत पड़ती है तो बोखलाते हैं, बोखलाने की जरूरत नहीं है। आप मदद करें कि जो सुन रहे हैं उसको याद रखने की कोशिश करें और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें, तो मालूम होगा कि आप उसका कितना एहतराम करते हैं। जुमा के दिन अल्लाह तबारक तआला ने अपने मानने वाले अपने मोमिन बंदों के लिए एक और बड़ा तोहफा रखा है, वो तोहफा है दुआ की खड़ी। कौन सी दुआ के कबूल होने का एक मुख्तसर वक्त। हमने दुआएं छोड़ दी, लोगों ने दुआएं करना छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया। दुआ वो एक जमाना था, इमाम साहब सलाम फिरते थे, सलाम फिरते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ शुरू कर देते थे, सबसे बड़ी दुआ वही समझते थे। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए, कम से कम उस बहाने की थोड़ी देर तो अल्लाह के बारगाह में हाथ को उठा लेते थे। लेकिन लोगों ने उसमें इतनी शिद्दत और इतनी सख्ती बरती कि उसको बिदात ही बना दिया था, इसलिए उस रिवाज को खत्म करना जरूरी था। मगर उस रिवाज के खत्म होने के बाद दुआ का कोई वक्त खत्म नहीं हुआ, ना ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल कर
करता, ठीक ठाक अपना रहता है, वो बेपरवाह है, वो कभी दुआ नहीं करता, अल्लाह के सामने कभी मांगता नहीं अल्लाह से, अल्लाह के सामने कभी गिड़गिड़ाता नहीं। सैयद रसूल अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों के बारे में बयान भेजते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, क्या फरमाया इसी के हदीस, आपने फरमाया जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उससे गुस्सा करता है, उससे नाराज होता है। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ये तुम्हारे रब ने तुम्हें कहा, तुम्हें हुक्म दिया, क्यों ادعوني استجب لكم, मुझसे मांगो, दुआ करो, मुझसे उठापा करो, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी मांग डिमांड पूरी करूंगा। और साथ ही साथ बयान करूंगा, इन الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, कि जो आदमी सवाल नहीं करता, जो आदमी अल्लाह से दुआ नहीं करता, जो आदमी अल्लाह की इबादत नहीं करता, जो आदमी तकब्बुर करता है, मुसलसल जो दुआओं को छोड़ देता है, वो किसी न किसी तरीके से किब्र में और गुरूर में मुब्तला हो जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ताकत और गैरत को चैलेंज करता है। अल्लाह ने कहा जो मेरी इबादत से तकब्बुर अख्तियार करे, दूरी अख्तियार करे, मुझसे मेरी इबादत न करे, मुझसे मांगे न, मुझसे दुआ न करे, सैयदखुलून जहन्नम दाखिरी, अनकरीब और जलील होकर के जहन्नम में दाखिल किया जाए, अनकरीब वो जलील होकर के रुसवा करके उसे जहन्नम में अल्लाह तआला इबादत अल्लाह तबारक व तआला की खासारी के साथ, आजिज़ी के साथ, इंतज़ारी के साथ जरूरी है, और इसी तरीके से खुसूसी दुआओं का इंतजाम भी जरूरी है, ताकि वो अक्स व इंतज़ारी अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमेशा हमेशा बाकी और दायमी आजिज़ी व इंतज़ारी हमारी बाकी रहे, जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद, अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है कि बंदा पूरी खासारी के साथ अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए, अपने आप को नाकामा, बेबस, बेकस समझते हुए रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ करे, नमाजें पढ़े, सजदे करे, रुकू करे, जिक्र करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह को ये अदा खूब पसंद। और जो ऐसा नहीं करता, अल्लाह ने कह दिया वो सलीम होकर के जहन्नम में जाते हैं, जहन्नम में दाखिल किया। जो इबादत, जो लोग इबादतें नहीं करते, जो लोग दुआ नहीं करते, किस वजह से नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उसमें तवानाई है, कुवत है, जान है, ताकत है, सारी चीजें हैं, अरे मैं क्या हो सकता हूं, मुझे भला कोई बीमारी आ सकती, मुझे मौत आ सकती, मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने कहा ऐसे लोग सलील होकर के, यही वजह है कि आए तुम देखते हो कि लोग किस तरीके से जिल्लत की मौत मर रहे हैं, अल्लाह तमाम मोमिनों की हिफाजत करे। दुआ बहुत जरूरी है, दुआ बहुत जरूरी है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ليس شيء اكرم على الله تعالى من الدعاء آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز عمل ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز مقرب اور عظمت والا عمل ہے ہی نہیں لیس شیء اکرم علی اللہ افضل جل من الدعاء دعا سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی بھی مقرب اور محترم عمل نہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری روایت میں سید رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادۃ دعا عبادت کا مغز ہے مغز किसको कहते हैं भेजे को कहते हैं भेजा नहीं है तो इंसान बाकी रहेगा
एक्सीडेंट होता है, भेजा निकल जाता है, कोई बाकी रहता है, बचता है कोई नहीं बचता। दुआ इंसान की जिंदगी से खत्म हो गई, इबादत भी खत्म हो गई, इसलिए कि दुआ ही असल इबादत है। मानवता कौन है? मानवता वो है जो कमजोर है, मानवता वो है जो गरीब फकीर है, मानवता वो है जो जिसके पास मालूम मता नहीं, मानवता वो है जिसके पास सकत नहीं, कुवत नहीं, ताकत नहीं, इस्तेदाद नहीं, वो मानवता है। और देने वाला अकड़ता है, देने वाला अकड़ता है, और अकल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को से देता है। इसीलिए तुम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो तो तुम्हारी खाक सारी बाकी रहेगी, और इस अदा के जरिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मफ़रत तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को सुनता है। मैंने वो हदीस क्या बयान फरमाई कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे गुस्सा कर देता है, नाराज होता है। अब आपके अख्तियार में अल्लाह को नाराज करें या अल्लाह तबारक व तआला को खुश करें। अगर आप खुश रखते हैं अपने मालिक को तो हमारे गुलामों को खूब नवाजता है, खूब कहता है, तनख्वाह के साथ साथ एक्स्ट्रा बोनस भी देता है और इनामात भी देते रहते हैं। जब मालिक खुश होता है तो मालिक नाराज हो तो डंडे देते हैं, और हमारे दुनिया के मालिक को तो माँ बहन की गालियां भी देते हैं, है कि नहीं? अच्छे अच्छे तो मालिक को जब खुश रखोगे तो नवाजता चला जाए। मन लम यसअलिल्लाह यहज़ब अलैह, जो अल्लाह तबारक व तआला से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और शायर ने क्या लिखा, शायर ने क्या लिखा, अल्लाह यहज़ब इन तरक्ता सुआलहु, क्या कहा, الله يغضب إن ترك سؤال وبني آدم حين يسأل يغضب آگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تم سے نہ مانگ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غصہ کرتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتا ہے مجھ سے کیوں نہیں مانتا ہے آئے آئے کیا شان نگاہی ہے رب العالمین کیا شان بے نیازی ہے دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں بہت کم نہ کے بنا وہ زمانہ تھا کہ جب مانگا جاتا مختصر دینار و درہم تو غصہ کرتے تھے کیوں؟ کہہ رہی ہے میری شان کے لائق ہے تو اسے اتنا مانتے ہو سو روپے کیا مانتے ہو ہزار مانتے ہزار مانتے ہو لاکھ مانو اس اللہ کی شان بڑی اللہ کی شان سب سے بڑی اللہ یغضب ان ترک سؤالہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانتے نہیں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے اپنی ضروریات کو نہیں رکھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غصہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ شاید نے کیا کہا، وَبَنِي آدَمَا حِينَ يُسْأَلُ يُقْصَبُ حِينَ يُسْأَلُ يَقْصَبُ، اور انسانوں کا حال یہ ہے، آدم کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے اور یہ بندے کی شان ہے۔ اللہ سے مانگو جتنا جی چاہے مانگو، تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہہ رہے میں یہ مانگ لوں گا تو دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نوازتا رہتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے۔ لا یزال العبد مستجاب،
कि बंदों की दुआ हमेशा अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता रहता है। हाँ, अगर वो दो चीजों का सवाल करता है तो अल्लाह कबूल, एक गुनाह का और एक रिश्ते काटने का, लोगों में नफरत फैलाने का, रिश्तेदारों से दूर होने का, मोमिनों से दूर होने का, अगर कोई ये सवाल करता है अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। अगर कोई गुनाह का सवाल करता है कि अल्लाह ताला आज मेरी मदद फरमाओ, मैं फलाने का माल लूट लूं, मैं फलाने के घर से फला चीज उठा के ले आऊं, अल्लाह कबूल नहीं करे, अल्लाह कबूल नहीं करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो हर वक्त, हर आन, हर रोज दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ जुमा ही को नहीं, जुमा को तो एक खुसूसी वक्त रखा ही है तुम्हारे नाम के लिए, मगर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हो करके अल्लाह को क्या जरूरत है, तुम ना मांगो तो अल्लाह का क्या बिगड़ता है, तुम ना मांगो तो मकड़ो तो अल्लाह का क्या बिगड़ता है, तुम रास्ते में चलोगे जमीन को हुक्म दे देगा जमीन फट जाएगी, तुम्हारी तुम्हारी अकड़ खत्म हो जाएगी, वही जमीन तुम्हें बिगड़ जाएगी, तुम्हारी ताकत फना हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके रब चलाने वाले का अपने बंदों की हालात को देखते हुए, अपने बंदों को नवाजने के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने शर्त लगाई, यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल लैलतिन इला समाई दुनिया, या अल्लाह हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा रब, हमारा परवरदिगार रोजाना कुल लैलतिन इला समाई दुनिया इस आसमानी दुनिया के ऊपर आता है, वो अपनी शान के मुताबिक आता है, वो काहे के लिए आता है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, सातों आसमान के ऊपर अर्श है, उस अर्श के ऊपर बुलंद है अल्लाह तबारक व तआला, उसको कोई जरूरत नहीं अगर सारे बंदे में फक्त काफिर हो जाए, दीन से फिर जाए, बदमाश हो जाए, अल्लाह को कोई फर्क नहीं, मगर इन तमाम चीजों के बावजूद तुम्हारे कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए, तुम्हारे बदतरीन हालात से तुम्हें निकालने के लिए कि तुम मांग लो अल्लाह तबारक व तआला से, इस आसमान दुनिया पर रोजाना रात को नुज़ूल इंतज़ार फरमाता है, रोजाना रात को होता है, क्या कहता है, मैं ये दूंगी, कौन है जो मुझसे मांग, मैं सजीव, मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा, कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसका मुतालबा पूरा करूंगा, कौन है जो दिन में गलतियां हो गई, गुनाह हो गया, रात में उठे और कहे कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह आज मैं इस परेशानी में फंस गया था, अल्लाह का इतना बड़ा मसला मेरे सामने है, अल्लाह कल मेरे सामने ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, अल्लाह मैं इतना बड़ा काम उठाया हूं, अल्लाह तू मेरी मदद कर, अल्लाह तू मुझे माफ करना, अल्लाह अगर तेरी मदद नाजिल नहीं हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अगर तूने माफ नहीं किया मैं तबाह हो जाऊंगा, कौन है जो सवाल करे, मैं जवाब दूंगा। ये अल्लाह रोज आता है, क्यों आता है, इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल सुचना रिवल किराम किस कदर अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है, लेकिन बंदा किस कदर बेहया है, बंदा किस कदर बेहिस है, बंदा किस कदर बेहैरत है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पाना रात यूं ही अय्याशों में बदमाशों में गुजार देता है। हाय हाय, अल्लाह तुमसे इतना करीब होता है तब तुम मांगो अल्लाह के पास, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दे, और हम दुआ नहीं करते अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम सलाम मन सरहू अय्यस्तजीब अल्लाह लहू, कि जो आदमी इस बात से खुश होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करे, इंद शदाइद वल करम, जब हमें कोई ठोकर लगती है, हमें कोई दर्द होता है, चीखते और चिल्लाते हैं, मगर तुम भूल गए कि जब तुम्हें दर्द होगा तो तुम्हें अल्लाह याद आएगा,
को दर्द के वक्त तो याद है, लेकिन रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, मन शरहु व यस्तजीब अल्लाह लहू, ये जो आदमी इस बात से खुश होता हो कि उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे, इन शिकायती वल कर्ब, सख्ती के वक्त में, तकलीफ के वक्त में, परेशानी के आलम में, फल यक्सुरी दुआ फिर रुहा, तो वो खुशहाली के आलम में, आसूदगी के आलम में, जब उसे कोई परेशानी ना हो तब वो कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। मालूम ये होता है कि जब तुम आम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह से दुआएं करोगे, तो मुसीबत के वक्त फौरन तुम्हारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। इधर दुआ तुम्हारे लबों से जुदा भी नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पहले कबूल कर लेगा, फिर मेरे बंदे की परेशानियां जाहिर हो जाएंगी। ये कब होगा? जब आम दिनों में भी दुआओं को ज्यादा से ज्यादा करो, अल्लाह तबारक व तआला फरी दुआ करो, तो हमेशा दुआ करो। दुआ करने से दिल जिंदा रहता है, इबादतें करने से दिल जिंदा रहता है, नहीं तो दिल मर जाता है, शैतान उसमें करता है। बात सुनो, दुआ की कबूलियत का जो तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने इस सुबह के दिन रखा है वो बड़ा अजीब और गरीब है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने शाह फराज के बुखारी सही मुस्लिम के فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. أن يسأل الله تعالى कि जो बंदा है मुसलमान जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा वक्त है कि जो भी कोई बंदा है मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से जो भी सवाल करे, सवाल जायज हो, हराम ना हो, गलत करना जायज सवाल, जो भी अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगे, यसअल्लाह शैअन इल्ला अताहु इय्याहु, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जब बंदा मुसलमान कुछ भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज देता है। और प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से इशारा करते हुए फरमाया बशार की हदी ही युकल्लिहा, और वो वक्त बहुत ही मुख्तसर है, वो वक्त बहुत ही शॉर्ट है, वो वक्त बहुत ही कम है। इस वक्त के बारे में दो तरह की बात है और मैं आपके सामने वो दोनों का खुलासा रखने की कोशिश कर। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है, जिस वक्त वो वक्त है हिया मा बैन मन यजलिसल इमाम इला अन तुक्ज़ा सलाम, ये वक्त है कि जब इमाम मिंबर पर बैठता है तो नमाज के खत्म होने का एक वक्त हदीस शरीफ के अंदर ये। दूसरी रिवायत है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अल-जुमा के सिर तराशा, कि जुमा के दिन 12 घड़ियां हैं, युरीदु सा, जुमा के दिन 12 घड़ियां हैं, لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل إياه। आपने इशारा फरमाया कि जुमा के दिन 12 घड़ियां हैं, उनमें से एक घड़ी ऐसी है कि बंदा ए मोमिन मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से जो भी सवाल करे, जो भी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज देता है।
هي ساعة آخر بعد العصر. فرمایا کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے. اور دوسری روایات سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی کوئی متعین نہیں ہے، کبھی جمعہ کے وقت میں بھی آتی ہے اور کبھی عصر کے بعد. لیکن زیادہ تر جس بات کو علماء نے حدیث کی روشنی میں لی ہے، اور اس طرح کے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت سارے صحابہ اکرام کی روایات کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ ہوا. حضرت عبداللہ علیہ السلام چونکہ یہودی عالم تھے اپنے زمانے میں، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ تورات میں جمعہ کے دن کے بارے میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ نے سچ کہا، اور آپ نے اس وقت یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ وقت بہت مختصر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، بالکل سچ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت تورات کے اندر بھی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں مسلسل رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ساعت ساعت من آخر النهار، کہ یہ گھڑی دن کے گھڑیوں میں سے سب سے آخری گھڑی ہے، یعنی عصر کے بعد والی گھڑی ہے. عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے بیچ، مغرب کے قریب قریب یہ گھڑی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر عصر کے بعد کی گھڑی میں تو نماز مفروض نہیں پڑھی جاتی ہے، آدمی نوافل نہیں پڑھتے، نوافل تو منع ہے کہ عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن سلام، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک آدمی جو نماز پڑھ لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، بندہ اس وقت مسلسل نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ کوئی عمل نہ کرے، خالی وضو کر کے نماز کا انتظار کرے. ایک آدمی ہے، عصر کے بعد ہے، عصر کی نماز پڑھ لیا، وضو کی حالت میں بیٹھا رہا کہ مغرب پڑھوں گا، دعا کرتا رہا، دعا نہیں بھی کرا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان تمام اوقات کو نماز میں شمار کرے گا کہ یہ بندہ نماز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک ہے. اگر کسی کو عصر کے بعد تھوڑا ادھر ادھر کام رہے تو کم از کم مغرب میں آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ پہلے آ جائے اور دعا کرنے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے رسول کی زبان کی ہے. مگر ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیا. آج ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک کتنا اہم وقت ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، کتنی اہم گھڑی ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں. کوئی کرنے جا رہا ہے دعا ہے تو ارے کمال ہوتے، تمہیں نیند نہیں ہے، آج لے لو جاؤ، تمہارے مسائل حل ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے. اس کے علاوہ اسلاف، محدثین، فقہا کا یہ عالم تھا، علماء کا یہ عالم تھا اس زمانے کا کہ بعض بعض اسلاف عصر کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر دیا کہ کوئی بات چیت نہیں. خود حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، خالی دعا میں رہو، دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو. لوگ دروازے بند کر لیا کرتے تھے، لیکن ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارا وقت کیسے ختم ہو رہا ہے، ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اور اپنے ہاتھوں سے ایسی ایسی قیمتی قیمتی چیزیں اور قیمتی قیمتی اوقات، قیمتی قیمتی خزانے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہے، موت ہمیں آ کر کے دبوچ لے رہی ہے، کتنے لوگ چلے جا رہے ہیں، آج جو زندہ ہے انہیں بھی احساس نہیں کہ ہم کب
किस वक्त रात के आए बच्चे की शिकायत। याद करो इन मौके को अपने हाथों से जाने न दो। अल्लाह तबारक व तआला दुआ न करने वालों, सवाल न करने वालों, इबादत न करने वालों से नाराज होता है। अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, तुम्हारी बड़ी परेशानियां हैं, मुल्क की परेशानियां हैं, तुम्हारे घरों की परेशानियां, सारी परेशानियां तुम्हारे पास है, तो मांगते क्यों नहीं? थोड़ा सा वक्त निकालो अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों का खजाना खोल देगा, रहमतों का बरखा बरसा देगा, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। अल्लाह पाक परवरदिगार से दुआ है कि बोले थे हम सबको ऐसी घड़ियों से ऐसे अमाल से ज्यादा लुत्फ अंदोज होने और फायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह हमारे अंदर जो बेहिसी है, जो कमजोरी है, पाक परवरदिगार उसे खत्म करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके दिलों को जिंदा कर दे। अल्लाह अपनी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे। हम सबको हिदायत और इस्तिकामत अता फरमा। आमीन। तकबल या रब्बुल आलमीन। वाखिरु दावाना।